ये है छन छन, अहमदाबाद के सारा भाई परिवार की बड़ी बेटी, पेशे से डॉग ट्रेनर। छन छन अपने दिल का कहा मानती है और दिल जीतना भी जानती है। मंदिर में छन छन की मुलाकात उमा बेन से होती है, जिसके साथ उसके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये गलत है पंडित जी। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये समझने और समझाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। छोटी हूँ इसलिए तो कह रही हूँ, हम अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं कि रिश्वत देके काम निकालना चाहिए। तुम्हारी उम्र ही नहीं, सोच भी छोटी। पंडित जी को दी हुई पवित्र दक्षिणा को रिश्वत कहती हैं आजकल की ये मॉडर्न मुंह चढ़ी लड़कियां। मंदिर से प्रसाद लेकर छन छन अपनी दोस्त पूर्वी की शादी में आती है, जहाँ पे सब पूर्वी की शादी को लेकर बहुत खुश हैं। आक्षी! 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 Excuse me, हर्षा मैनर्स, ऐसे कोई छींकता है क्या? तुम्हारे छींक की वजह से मेरा पुछ डर गया, अगर ऐसे कोई एलर्जी हो गई तो? छींकते वक्त मुंह पे रुमाल नहीं रख सकते, छींको ना पुछ। ये देखो, एक तो गलती खुद की है और हमें सुनाती है, एक तो तुम देख के चल नहीं रही थी, और शादी में कुत्ता कौन लेके आता है? Excuse me, इसका नाम पुछपुछ है। पुछपुछ? और पुछपुछ को शादी में स्पेशल इनविटेशन मिली। अच्छा, इसे इनवाइट किया गया है? इसका मतलब कुत्ते को इनविटेशन कार्ड भी पढ़ना आता होगा। और क्या नाम बताया आपने इसका? पुछपुछ। हंसो मत, गलती तुम्हारी है, तुम देख के नहीं चले और तुम छींके। ओ मैडम, मुझे वो छींके आई है ना, वो आपके इस कुत्ते की वजह से आई है। एक्चुअली मुझे कुत्तों के बालों से एलर्जी है। तुम्हें क्या एलर्जी होगी, एलर्जी तो मेरे पुछपुछ को हो गई है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये शादी का हॉल है, कोई डॉग पार्क नहीं है जब अपना कुत्ता लेके आ गई है। छोड़ना छन छन, उसके सुसु का टाइम हो रहा है, वो यहीं पे कर देगा। छन छन, एक छन छन, एक पुछ पुछ, पुछ पुछ, छन छन, छन छन, पुछ पुछ। I'm watching you. Excuse me. Just for my information, आप में से छन छन कौन है और पुछ पुछ कौन है? अबे ये क्या है? अरे अरे हटा पेंट, अरे हटा उसे दिया। सुसु कर दी पेंट पे। अरे वेरी गुड पुछ पुछ, गुड बॉय। व्हाट गुड बॉय? आपके कुत्ते ने मेरी पेंट पे सुसु कर दिया है? ये मैनर सिखाया आपने अपने कुत्ते को? मैंने तो पुछ पुछ को सिर्फ इतना सिखाया कि हमेशा जाके गंदी जगह पे सुसु करना। कुछ कुछ तो वही कर रहा है। Now, I'm watching you. देखते रहे, हटो। अबे ओए, किधर है? इसको धोना पड़ेगा ना। ये तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? बैड जोक, ऑब्वियसली धोना पड़ेगा। चल जेठानी, अगर आप नहीं होते तो ये शादी कभी हो ही नहीं पाती। मैं आपका शुक्रिया कैसे? Excuse me, अंकल, सॉरी, हम पूर्वी को ये गिफ्ट दे रहे हैं, आप ही चलिए ना हमारे साथ। नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ इनसे बात करके। सॉरी आंटी, लेकिन क्या मैं अंकल को 5 मिनट के लिए? मैं। बेटा, तुम इन्हें जानती हो? मैं जानती हूँ इसे। पूर्वी का व्रत पूरा करने के लिए प्रसाद लेने यही आई थी मंदिर में।
मैंने इसकी मदद की थी दर्शन करवाने में। अरे वाह सेठानी जी, अब और कितना एहसान करेंगे आप हम पे। अरे हाँ बेटा, ये है उमा बहन, हमारी मालकिन। पिछले 35 साल से मैं इन्हीं के पास काम कर रहा हूं, और हाँ पूर्वी का रिश्ता भी इन्होंने ही तय करवाया है। और उमा बहन, ये है पूर्वी की सबसे अच्छी सहेली छन छन। अरे तुषार भाई, मैं अपने छोटे बेटे को साथ में लाई हूँ। अच्छा, वो भी आए साथ में? ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। शादियों में उसको आजकल मैं साथ ले जाती हूँ। अब उसकी शादी की उम्र जो हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है मैंने। मुझे लगा यहाँ पे भी शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मुझे एक सुशील संस्कारी लड़की चाहिए, एक मॉडर्न मुंचढ़ी लड़की नहीं। जरा जाके देखिए ना वो कहाँ। जी भगवान करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। छंछन छंछन, चल अंकल आंटी आ गए, चल। मुबारक हो तुषार भाई। अरे बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी जी। वैसे वो आपकी भी बेटी जैसी ही है। बिल्कुल। और वेल, मैं जरा पूर्वी से मिल गया। अरे ये आपके हाथ में क्या है? ये भाई साहब पेंटिंग है, और ये खास मैंने पूर्वी के लिए बनाई है, और इसे मैंने नाम दिया है हिम्मत। भाई साहब इसमें मैंने, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्तों को ये मॉडर्न आर्ट पेंटिंग मत गिफ्ट किया कीजिए। क्यों बेटा? अंकल आपने मुझे एक पेंटिंग दी थी जिसे मैंने अपने कमरे में लगाया था, याद है? वो पुनर्जन्म का पुनर्जन्म। हाँ, उसे मुझे ढक के रखना पड़ता है। आज भी जब अंधेरे में देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। आप प्लीज हमें ऐसी पेंटिंग मत दिया कीजिए। इसलिए भाई साहब आजकल के बच्चे मॉडर्न आर्ट को समझते ही नहीं है। होगी तेरी ड्राई क्लीनिंग अभी? मानसू बदबू अभी भी आ रही है क्या? हाँ तो रही है यार, थोड़ी थोड़ी। क्या बात कर रहा है, इतना बोलने के बाद भी नहीं जा रही है। अरे मानव क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये पैंट कैसे गीली हो गई? वो आंटी हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नाम मानव है तो तुम जवाब क्यों दे रहे हो? मैं जब भी तुझे ये फंक्शंस और शादियों में ले आती हूँ, तुम हमेशा इस हरक बदोड़े को साथ मिलाते हो। माँ दोस्त है मेरा। मिडिल क्लास लोगों से काम करवाते, उनसे दोस्ती नहीं रखते। बेटा मैं तुझे इन शादियों में लाती हूँ, मैं तुझे लड़की दिखा सकूँ, और तुम इस दुम छिल्ले को साथ लाते हो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बेटा तू है या ये। से दूर आकर मामा आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं? मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हर एक लड़का यही कहता है, उसे शादी करने से पहले तेरे पिताजी भी तैयार। माँ ये स्टोरी मैं 50 बार सुन चुका हूँ। सिर्फ सुन चुका है, अब समझ। चलो चलो जान आ भी गई। मानो जान आ गई जान, चल ना घोड़ी के सामने चल के डिंचे डिंचे डांस करते, चल चल चल। इस हिमांशु का कुछ करना पड़ेगा, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। सिंपल, वो अखरोट और उसका दोस्त यहाँ भी आ गया। क्यों ना संजन, तू क्यों इतना इरिटेट हो रही है? इतने भी बुरे नहीं है। अच्छा सिंपल के बच्चे, काली रे
मुझे तो लगा कि अगर दूल्हे को थोड़ा और उठाते ना तो वो पक्का गिर जाता। हाँ, और फिर वो ऐसे आता। अगर ऐसे आता ना तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। नहीं नहीं तेरी दो बातें। ये क्या खाका के कर रहे हो? अब तो बारात भी आ चुकी है, चलो जल्दी जाकर मेहमानों की खातिरदारी करो। चलो जल्दी, ठीक है, चलिए। आए बेटा। वाह, फिर से? एक बात बताओ, तुम देख के चलती ही नहीं हो या चश्मा घर बुलाई हो? अब चंचल, जाने देना। आप शरबत लीजिए। या श्योर। ले लो, मुफ्त है। आप लीजिए। थैंक यू। ओए मजू, ओए किधर? अबे इधर। मम्मी, क्या हुआ बेटा? सुनी वास आवे छे। वास? हाँ, वास तो आवे छे बेटा। यार मानव, अब पता चला कुत्ते की सुसु की बास इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। चुप कर। बेटा, किसकी स्मेल आ रही है? की सुसु की स्मेल आ रही है। कहां से आ रही है? पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि सुसु की स्मेल कहां से आ रही है। वैसे दीदी, समधी जी, ये आपके 25 लाख। आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने वैसे ही किया। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बेटी पूर्वी को इन सब बातों का पता कभी भी नहीं चलना चाहिए। करती हूँ कि स्मेल कहां से आ रही है, ठीक है? हिमांशु, गोए, दो बच्चों की औलाद, फिर घर जाके चेंज करके आते हैं यार, ये बच्चों मेरी जान ले लेगी। अबे ओए, चल। अरे यार रुक तो, मुझे अपनी सिंपल के हाथ का शरबत तो पी लेने दे। ना मुझे दे। एक्सक्यूज मी। वैसे सिर्फ मेरी जानकारी के लिए, इनमें से शरबत कौन सा है और सुसु कौन सा? शरबत सुसु या सुसु शरबत? छान छान, तुझे पूर्वी बुला रही है। आ रही हूँ। क्या हुआ पूर्वी? मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा था ना, बिल्कुल परी जैसे लग रही है। कुछ ही दिन में फेरे भी हो जाएंगे। मुझे तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले लोग कैसे होंगे। क्या मैं तुम लोगों से मिल पाऊंगी और तुम लोग मेरे घर आ पाओगे या नहीं? पूर्वी तू कैसी बातें कर रही है?
तेरे पापा ने कहा कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तेरे घर आके तुझसे मिलेंगे, और अगर हमें अंदर आने नहीं दिया ना तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए, और फिर भी अगर ज्यादा हुआ तो मैं तुझे अपनी स्कूटी पे बिठा के भगा के ले जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। क्या मैं अपने पति को दोस्त बना पाऊंगी? हाँ बिल्कुल। और सास को माँ? जब हर महीने तू तेरे सास के साथ दो इंग्लिश पिक्चर देखेगी ना तो वो भी चिल्ड आउट हो जाएगी, फिर बन गई तेरी माँ। ये ले, अब तू चिल्ड आउट हो जा। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे, और तू देख पूरी हम सबने से सबसे ज्यादा खुश तू रही। चंचन जरा मेरे पापा को बुला के लाना एक मिनट के लिए। पूर्वी फेरों का टाइम हो गया है। पता है, बस एक मिनट के लिए मिलना था। नहीं पूर्वी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू जल्दी से। पिछले 7-8 दिन से वो बहुत टेंशन में है, और 2-3 दिन से तो बुखार भी। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे ही छुप छुप के रोते हैं। कल रात को जब मैं पानी पीने उठी तो वो फ्रिज के पास अकेले खड़े होके रो रहे थे। फेरों से पहले एक बार अपने पापा को गले लगाना चाहती, क्या पता ये मौका फिर कब मिलेगा। चल ठीक है, बुला के लाती हूँ। अब रोना मत वरना मेकअप खराब हो जाएगा। आपने तुषार अंकल को देखा है? नहीं। सुनिए, आपने तुषार अंकल को देखा है? ये तो हमारी खुशनसीबी कि आपके बेटे से हमारी पूर्वी का नाता जुड़ रहा है। समधी जी, ये आपके 25 लाख। सेठानी जी, आपने जो कहा था जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। समधी जी और समधन जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती, मेरी बेटी पूर्वी को इन सब बातों का पता कभी भी नहीं चलना चाहिए। वो क्या है कि वो इन सब बातों के खिलाफ। हाँ क्यों नहीं, होनी भी चाहिए खिलाफ। अरे तुषार भाई, हम भी लेन देन में नहीं मानते, क्या करें, एक जमीन लेनी है और पैसे कम पड़ रहे हैं। जब उमा बेन ने बताया कि 25 लाख आप देने वाले हैं तो मैंने सोचा समधी ही समधी के सुख दुख में काम आता है ना, है ना। वैसे तुषार भाई, हमें तो 50 लाख की जरूरत है। कोई बात नहीं, अब उमा बेन ने 25 कह दिया तो उनकी भी जबान की कीमत और मान है ना। मैं भी सेठानी जी के कहने पे ही 25 लाख रुपए दे रहा। अरे तुषार भाई, आज नहीं तो कल ये जमीन इनके बेटे की हो जाएगी, और जो बेटे का वो बहू का। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप दहेज दे रहे हैं तो तुरंत वापस ले लीजिए, इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी, मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ अपनी बेटी को ही तो दे रहा हूँ। यही बात अपने मन में रखिएगा तुषार भाई। समझ गए तुषार भाई, समझ गए। चलिए आप जाइए, फेरों की तैयारी करवाइए। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए, फेरे करवाते आइए जी। खूब खूब आभार उमा बेन, खूब खूब आभार। सुनिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो उन्हें बोल दिया कि हमें 50 लाख की जरूरत है। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम 25 लाख उनसे निकलवाने ही वाले हैं। इंजीनियर बेटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई के पैसे ऐसे जाया थोड़ी ना होने देंगे। चल, चल। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पूर्वी के पापा जानते हैं कि हम दहेज के खिलाफ है, फिर भी
पूर्वी को कैसे बताऊंगे? हरि ओम स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। कन्या को बुलवाई। ये गलत होने जा रहे, ऐसे लालची लोगों के घर में पूर्वी कभी खुश नहीं रहेगी। बेचारे तुषार अंक, उन्हें पता भी नहीं कि 25 लाख देने के बाद ये लोग और 25 लाख मांगने वाले। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, फिर से वही होगा जो पहले हुआ था। आरती, मेरे बच्चे ये क्या हो गया? अच्छा, देखिए क्या होगा। अगर इसने एक बार भी बोला होता कि इसके ससुराल वाले और पैसा मांग रहे, तो मैं ये घर भी बेच के इसके ससुराल वालों के मुंह पे फेंक देती। वैसे भी सब कुछ दे चुके थे, इनका प्रोविडेंट फंड का पैसा, गहने, सारी सेविंग दे दी थी मैंने। इस बार आरती चुप रही, कुछ नहीं बोली। जब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने ये कहानी खत्म कर दी। जो आरती के साथ हुआ, जो आरती के साथ वो हम में से किसी के साथ होने नहीं दी, किसी के साथ होने नहीं दी। हम कसम खाते कि ना हम दहेज लेंगे ना देंगे। गणपति गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। स्तुया विनाशक्या धर्म कल्याण विदिदा विनायकं प्रियादित्यां त्वाञ्चश्रियं ब्रवन्तु नः। अथ संकल्प प्रियादित्या त्वाञ्चश्रियं ब्रवन्तु नः। सर्वे नाम सुखिना सन्तु, सर्वे भद्रा निवासन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। पूर्वी को पता चलना ही चाहिए, और वो भी शादी होने के पहले। गॉड, अब ये आपके 25 लाख। मेरी बेटी पूर्वी को इन सब बातों का पता कभी भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम 25 लाख उनसे निकलवाने ही वाले हैं। ओह गॉड, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो हम पूर्वी को बता देते हैं, या फिर शादी रुकवा देते हैं। अरे दोनों हालत में पूर्वी को तो पता चलेगा ही ना। तू अपनी चॉइस का मेन्यू बंद रख थोड़ी देर। पूर्वी को पता चलना ही चाहिए, और वो भी शादी होने के पहले। अबे वर कन्या ना चढ़ा चढ़ी बांधो माटे कोई ने बुलाओ। छन छन, तू जा, जाके पूर्वी को सब कुछ बता दे।
ये है छन छन, अहमदाबाद के साराभाई परिवार की बड़ी बेटी, पेशे से डॉग ट्रेनर। छनछन अपने दिल का कहा मानती है और दिल जीतना भी जानती है। मंदिर में छनछन की मुलाकात उमा बेन से होती है, जिसके साथ उसके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये गलत है पंडित जी। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये समझने और समझाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। छोटी हूँ इसलिए तो कह रही हूँ, हम अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं कि रिश्वत दे के काम निकालना चाहिए। तुम्हारी उम्र ही नहीं, सोच भी छोटी। पंडित जी को दी हुई पवित्र दक्षिणा को रिश्वत कहती हैं आजकल की ये मॉडर्न मुंह चढ़ी लड़कियां। मंदिर से प्रसाद लेकर छन छन अपनी दोस्त पूर्वी की शादी में आती है, जहाँ पे सब पूर्वी की शादी को लेकर बहुत खुश हैं। ऐसे कोई छींकता है क्या? तुम्हारे छींक की वजह से मेरा पुछ डर गया। अगर ऐसे कोई एलर्जी हो गई तो? छींकते वक्त मुंह पर रुमाल नहीं रख सकते कि कोनो पुछ। ये देखो, एक तो गलती खुद की है और हमें सुनाती है, एक तो तुम देख के चल नहीं रही थी, और शादी में कुत्ता कौन लेके आता है? Excuse me, इसका नाम पुछपुछ है। पुछपुछ? और पुछपुछ को शादी में स्पेशल इनविटेशन मिली। अच्छा, इसे इनवाइट किया गया है? इसका मतलब कुत्ते को इनविटेशन कार्ड भी पढ़ना आता होगा। और क्या नाम बताया आपने इसका? पुछपुछ। हंसो मत, गलती तुम्हारी है, तुम देख के नहीं चले और तुम छींके। ओ मैडम, मुझे जो छींके आई है ना, वो आपके इस कुत्ते की वजह से आई है। एक्चुअली मुझे कुत्तों के बालों से एलर्जी है। तुम्हें क्या एलर्जी होगी? एलर्जी तो मेरे पुछपुछ को हो गई है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये शादी का हॉल है, कोई डॉग पार्क नहीं है जब अपना कुत्ता लेके आ गई है। छोड़ना छनछन, मुझके सुसु का टाइम हो रहा है, वो यहीं पे कर देगा। छनछन? एक छनछन, एक पुछपुछ, पुछपुछ, छनछन, छनछन, पुछपुछ। I'm watching you. Excuse me. Just for my information, आप में से छनछन कौन है और पुछपुछ कौन है? <That's good weather. laughs>